हे गुड इवनिंग गाइस, हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक काफी तगड़ी एंड काफी एक्टिव डॉग ब्रीड के बारे में, और कलर भी काफी यूनिक है, जो है पिटबुल। वैसे दोस्तों, सेलिंग की वीडियोस तो आप लोग हमेशा देखते हो, बट अगर आप लोग आज की इस वीडियो को देखोगे तो भाई आप लोग को मजा ही आ जाएगा। एना के चैनल पर मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया है, वीडियो बहुत ही क्यूट है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को भी जरूर चेक करें। लिंक आप लोग को ऊपर आई के बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में जो ये पिटबुल पपीज हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और कलर कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को काफी जबरदस्त मिलने वाला है। तो जो लोग दूसरों से कुछ अलग रखना चाहते हैं तो वो लोग इन पिटबुल पपीज को परचेज कर सकते हैं। भाई पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और आप लोग इनका हेड साइज देखें यार, काफी हैवी है। वैसे आगे मैं आप लोगों को इन पपीज के पेरेंट्स से ही मिलवाऊंगा और उनको देखकर आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा कि पपीज की क्वालिटी किस लेवल तक जाने वाली है। और भाई ऐसा भी नहीं है कि पपीज की ऐसी क्वालिटी और यूनिक कलर होने के बावजूद उन्होंने प्राइस काफी ओवर रखा हो। भाई प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है, जो नॉर्मल पिटबुल का होता है उसी प्राइस में आप लोग इन पपीज को परचेज कर सकते हो। वैसे तो सभी कलर काफी यूनिक एंड काफी ब्यूटीफुल है, बट ट्राई कलर मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। इनमें से आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, बहुत सी ऐसी डॉग ब्रीड हैं जिनके लिए गर्मियों में सर्वाइव करना काफी टफ होता है, लेकिन पिटबुल एक रफ एंड टफ डॉग ब्रीड है जो गर्मियों में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और इसका रीजन है इनका कोट, क्योंकि पिटबुल का कोट काफी शॉर्ट होता है तो इन्हें मेंटेन रखने में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी और ना ही ग्रूमिंग करने में। बट हाँ, अगर आप लोग पिटबुल को परचेज कर रहे हैं तो भाई बचपन से ही इन्हें अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन करना स्टार्ट कर दें दूसरे ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ। वैसे अगर आप लोग पिटबुल को अपना टाइम नहीं दोगे तो ये किस हद तक अग्रेसिव हो सकते हैं इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, नो डाउट पपीज जो हैं ये एक्सीलेंट क्वालिटी में, मुझे पर्सनली सभी पपीज काफी पसंद आए। तो अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो ये देखिएगा, इसे जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज के मदर और फादर हैं और दोनों ही अल्टीमेट क्वालिटी के हैं। तो भाई अब आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि पपीज की क्वालिटी कैसी होने वाली है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी डॉग ब्रीड परचेज करनी है और वो भी कम से कम प्राइस में, तो आप लोगों को जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर कर लें, आप लोगों को सभी डॉग्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और वो भी टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, अगर इनकी और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो पपीज आज 40 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। एंड दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जितना हो सके आप लोग डिलीवरी को अवॉइड करके डायरेक्ट ओनर के पास जाकर ही इन्हें परचेज करें, तो ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज है। बट अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो ओनर आप लोगों को अलीगढ़ के अंदर डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, बट शायद उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़े। और रही बात प्राइस की, तो पपीज जो हैं ये A1 क्वालिटी में है एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की क्या है 11,500 रुपीस, 11,500 रुपए, एंड फीमेल की क्या है जस्ट 10,000 रुपीस, यानी सिर्फ 10,000 रुपए। तो दोस्तों, क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ही जेन्युइन है। वैसे प्राइस फिक्स नहीं है, ये प्राइस भी नेगोशिएबल है, तो आप लोग बार्गेनिंग करके प्राइस और भी कम करा सकते हो। बाकी दोस्तों, पपीज की क्वालिटी, इनका कलर और प्राइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।